हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक विथ रिजिड जॉइंट बिटवीन द वॉल्स एंड फ्लोर स्लैब। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ तक आ गए थे। इस डायग्राम में हमने देखा था हम बेंडिंग मोमेंट एंड हुप टेंशन की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ मैक्सिमम हुप टेंशन तक की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि हमको 83.5 किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल मिली थी। फिर मैंने ये डायग्राम समझाया था, ये डायग्राम मैंने समझाया था आपको बेंडिंग मोमेंट एक्शन के लिए कि हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, लोड कंसिडर फॉर कैंटिलीवर एक्शन। जो आपकी यदि आपका जॉइंट रिजिड होता है, यदि वॉल और बेस का जॉइंट रिजिड है, तो आपका जो वॉल है वो कैंटिलीवर एक्शन उस पर आता है। ठीक है, और उसमें किस तरीके से फोर्स कौन सा एक्ट करता है तो वो बताया है। तो इस डायग्राम में जो फोर्स दिखा रहे हैं, ये फोर्स आपका कैंटिलीवर एक्शन में मदद करता है। ठीक है, ये एक्ट करेगा। तो अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। ऑब्वियस है कैंटिलीवर एक्शन जो बोल रहे हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियस मोमेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल ऑकर एट द बेस ऑफ द वॉल सी कंसिडरिंग ट्राइंगुलर लोडिंग। ठीक है ना, ये डायग्राम में जिस तरीके से बताया है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आपके सी पॉइंट पर आएगी। ठीक है, और ये हम लोड कैसा कंसिडर करेंगे, ट्रायंगुलर लोड कंसिडर करेंगे, बी सी ओ। आपका मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल्स टू 1/2 इंटू गामा एच इंटू स्मॉल एच सॉरी इंटू स्मॉल एच इंटू एच बाय 3। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को ये गामा इंटू हाफ गामा हाफ एच क्या होगा? ये जो मैंने लोड कंसिडर करा है, तो ये एम का फॉर्मूला किस तरीके से निकाला है कोई बता पाएगा? कैंटिलीवर एक्शन। या मुझे सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए, मोमेंट की वैल्यू, तो कोई बताएगा मोमेंट कैसे निकाला मैंने, कैसे ये फॉर्मूला यूज़ किया है? पवन आर्या, पंकज, महावीर, लल्ली चौहान, करण। सर मास इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्टेंस के थ्रू है सर। हाँ, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को समझा पाओगे? जैसे इसमें डिस्टेंस है, अपन जो अपने ये टैंक रहेगा उसका सेंट्रोइड के बेस पर ही एच और एच बाय, ये जो एच और एच बाय 3 है वो तो अपन सेंट्रोइड के से लेंगे बॉडी सेंट्रोइड पे लेंगे। के। सही बोल रहा है क्या? बाकी सब बताओ यार। सर 1/2 गामा एच इंटू एच तो इसका एरिया होगा ट्राइंगुलर का, और ये इसका सीजी होगा एच बाई 3। ठीक है, विजिबल है ना? थोड़े से मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस आज पीडीएफ बना ली है जो बुक की है ना। टाइप करने के बजाय आप डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि वाटर टैंक बहुत सारे हैं, मैं सब तो नहीं करवा पाऊँगा, है ना, हमको सब करना भी नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलर अब ऐसे आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद हम रेक्टेंगुलर देखेंगे और फिर इंच टैंक वगैरह देखेंगे, ओवर हेड वाटर टैंक। ठीक है, तो यहाँ यस पर सर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एम इक्वल टू 1/2 गामा इंटू एच। सर हाँ हेलो सर, आप हाँ थोड़ा वीडियो ऑफ कर लीजिए ना, आपका साउंड नहीं सही, वॉइस क्लियर नहीं आती।
अब आ रही है? ठीक हाँ सर, अब क्लियर है। है, एम इक्वल्स टू, हमको मूवमेंट की वैल्यू निकालना है, 1/2 इंटू गामा एच, ये आपका क्या हो गया, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना, गामा इंटू एच, ये आपका क्या हो गया, एरिया इंटू एच, मतलब ये पूरा है, सॉरी ये पूरा 1/2 इंटू गामा एच इंटू एच, ये आपका क्या हो गया, एरिया इंटू एच बाई थ्री, एच बाई थ्री हमने जो टॉप से हमारा ये एच इक्वल टू हमारा कितना है, ये कैपिटल एच बाई थ्री है, एच कितना है ये वाली हाइट स्मॉल एच, ठीक है, और एच कैपिटल एच बाई थ्री वो हमारा जो सी जी पे हमने रिलाई किया है वो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट की फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने वही किया है, तो ये हमारा यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा फोर्स ट्रायंगुलर लोडिंग है और हमको सी पॉइंट पे मूवमेंट की वैल्यू चाहिए और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एच बाई थ्री, ठीक है, स्मॉल एच बाई थ्री, तो यहाँ पर वैल्यू रखी, गामा की वैल्यू 9.8 हमको गिवन है, हाइट हमारी 5 मीटर है कैपिटल एच, ठीक है, स्मॉल एच हमारी 1.66, यदि हम ये एच बाई थ्री करते हैं तो, और ये स्मॉल एच बाई थ्री 1.66/3, तो हमारे को मूवमेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 22.6 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है, क्लियर है ये, तो यहाँ से हमको हुक टेंशन की वैल्यू मिल गई टी, और यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या निकालेंगे, थिकनेस ऑफ द वॉल रिक्वायर्ड स्मॉल टी, ठीक है, टी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है अंडर रूट एम अपॉन में आर इंटू बी, अब आपको फॉर्मूला आई एस कोड में भी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है इसको, थिकनेस ऑफ वॉल का फॉर्मूला है इसके लिए सर्कुलर रिजिड के लिए अंडर रूट एम अपॉन आर इंटू बी, एम हमने निकाल चुके हैं, एम हमारा कितना है 22.6 किलो न्यूटन मीटर, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया है, तो 10^6 हो गया है मीटर, किलो न्यूटन मीटर से उसको न्यूटन एमएम में चेंज कर दिया है, इधर आर हमारा जो है 1.527, ठीक है ना, आर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये आर हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है 1.527, देन बी, बी क्या है हमारा, बी क्या है, यूनिट एरिया सर, हाँ विड्थ विड्थ जिस हाँ एक यूनिट एरिया के लिए एरिया, हम, हाँ 1 मीटर लेंथ के लिए हम निकालते हैं, इसलिए बी उसका यूनिट विड्थ, तो ये आपका टी यहाँ से आ गया 122 mm, ठीक है, हेंस प्रोवाइडिंग द टोटल थिकनेस ऑफ 180 mm विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 30 mm, हम 150 से 200 mm के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 150 के लिए और 30 mm उस पर इफेक्टिव कवर ले लिया है, ठीक है, हम 122 नहीं ले सकते हैं, है ना, हम उसको कितना लेते हैं, 150 से 200 mm के बीच में लेते हैं, तो उन्होंने 150 लिया है और 30 mm का क्लियर कवर ले लिया है, इफेक्टिव कवर ले लिया है, इसलिए वो टोटल 180 mm कंसिडर हो गया, ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट, ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको कहना इजीली कैसे पढ़ते हैं, यदि आप लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा होता बीम कॉलम में, तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ भी यूज होते हैं, ठीक है, तो अब याद रखना है अपने को ये एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला, तो ए एस टी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एम अपॉन में सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, तो यहाँ पर अब वैल्यू रखी, एम हमारी निकल चुके हैं, सिग्मा एस टी हमको पता है, जे और डी की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है ना, डी अब कितना होगा, 180 माइनस डी, कौन सा लेंगे हम यहाँ, इफेक्टिव लेंगे, ठीक है ना, टोटल नहीं देना है, डी की वैल्यू कैसी लेनी है, इफेक्टिव, ठीक है, डी यहाँ पर क्या है, आपका थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है, तो ये कितना आया आपका 1348 mm², ठीक है, ठीक है ना, यार कंफ्यूज मत होना, वो टी और डी में, ठीक है, वो डी है उसकी डेप्थ है, तो वो एक्चुअली वॉल का है, एरिया ऑफ स्टील वॉल में हम क्योंकि निकाल रहे हैं, तो यहाँ उनका इफेक्टिव 150 हमको लेना है, तो ये हमारा आया 1348 mm², ठीक है, तो यूजिंग 16 mm डायमीटर बार्स स्पेसिंग रिक्वायर्ड, तो अब इतना तो सबको आना चाहिए, 201 क्या सा आया, ये एक बार का एरिया है, ठीक है ना, π/4d² करेंगे तो π/4 16 का स्क्वायर करोगे तो ये 201 आएगा, ठीक है, इंटू 1 मीटर लेंथ में कितना स्पेसिंग आ रहा है, तो इंटू 1000 डिवाइड बाय जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है, तो यहाँ से हमको स्पेसिंग मिली 149 mm, ठीक है, 149 mm, हेंस प्रोवाइड
ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, एक बार चेक करो 120 किसका आ रहा है, बुक में गलती है, चेक करो 16 के बार से आ रहा है क्या एरिया, 201 की 12 mm बार। सर 201.6 आएगा जहां तक मुझे याद, एक बार चेक। कौन से बार से, कौन से उससे, सोलह सोलह सर सोलह 16 mm के डाई से अपना 201 आ रहा है। हाँ हाँ 16 से आ रहा है ना, तो बस ये जो सर, यहाँ जो 12 लिखा है ये 16 आएगा, ठीक है, यहाँ जो 12 लिखा है ये 16 आएगा, गलत लिखा है ये, ठीक है, 16 आएगा यहाँ पे। तो हैंस प्रोवाइड 60 mm डायमीटर बार 140 mm सेंटर टू सेंटर ऑन इनर फेस वर्टिकली अप टू हाइट ऑफ 1.6 मीटर एच इक्वल टू फ्रॉम द बेस, हाफ ऑफ द बेस कैन बी कर्टल एट दिस पॉइंट एंड अदर हाफ कैन बी कंटिन्यू अप टू टॉप दैट इज 12 mm बार से 280 mm, यहाँ भी गलत है, ये सब कितना है 12 है, ये 16 है, ठीक है ना, ये हर जगह यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं नो सर। सर, ठीक है, अब हम निकालेंगे डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, कौन बताएगा मुझे डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, आपने बीम में भी पढ़ा होगा, बीम कॉलम में भी पढ़ाया होगा, जल्दी बताओ डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, कौन बताएगा डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एलडी, सब दिख रहा है फॉर्मूला आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, पर मुझे बस बता दो आप कोई भी एक डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, सर वो जो बार स्पिंडल होता है ना सर, चीज बेटा, सर जो अपन किस बीम या कॉलम में बार जो बेंडअप बार करते ना सर, थोड़ा बीम या वो क्लियर बोला बार कर। बेंडअप करते हैं ना सर, हाँ वही हाँ बेंडपन लेंथ होती है सर, जो हील साइड में बेंडअप होता है ना। पक्का, क्लियर हाँ क्लियर तो नहीं आ रही सर। चलो ठीक है, सही बोल रहे हो, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जब हम स्लैब का सरिया कॉलम में ले जाए या कॉलम का सरिया स्लैब में ले जाते हैं या फिर बीम का सरिया हम कॉलम में ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, और क्या होता है जब हमारे कॉलम में या बीम में डिसकंटिन्यूटी रहती है, मतलब मान लो एक बीम से हम दूसरे बीम के बीच में सरिये को लेके जा रहे हैं, बार जाता है तो कितना उसमें एक्स्ट्रा बार रखा जाता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, एलडी, ठीक है ना, तो यहाँ डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे एलडी का फॉर्मूला, ठीक है, तो एलडी का फॉर्मूला ये बहुत मतलब ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, IS-456 में दिया हुआ है, फाई इंटू सिग्मा ST अपॉन में 4 tau BD, ठीक है, फाई आपका यहाँ पर यार इन्होंने हर जगह 12 mm लिखा है, जरा देखो 12 × 130 डिवाइड बाय 4 × 1.44 270.83, यार ये 12 mm से सॉल्व क्यों सर कर रहा उन्होंने है, 12 से ही सॉल्व किया है पूरा। पर ये यहाँ तो यहाँ जो है यहाँ तो 201 जो लिया है वो 16 mm से ही सही है, 16 mm, 2 मिनट। हाँ सर वो 16 mm का है एरिया वहाँ पर उसने। पाई बाय 4 टू 12 का स्क्वायर 113 आता है, 113, तो यार इन्होंने तो पूरा शायद 12 mm से ही सॉल्व करा है, डायग्राम में भी 12 mm ही लिखा हुआ है इन्होंने, क्या करें, तो एक काम करते हैं, 1.1
सर अपन एक कोई सा फिक्स कर लेते हैं कि 12 या 16 से सॉल्व कर लेते हैं उसको फटाफट, आप समझाते चले जाना, वो हो जाएगा आ जाएगा। एक मिनट, 10 mm। एक काम करो, देखो ये ठीक है, इसको 12 कर लो, ये जो 12 लिखा ना इसको 12 कंसिडर कर लो, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये जो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये 201 की जगह आ जाएगा आपका 113, 113, ठीक है ना। कोई भी एक चीज आप चेंज कर सकते हो, आपका जैसी मर्जी हो, ठीक है, इसको कर लो 113, क्योंकि 113 के हिसाब से आप यदि स्पेसिंग में निकालोगे ना तो वो लगभग 113 ना, तो 113 × 1000 डिवाइड बाय 1348, वो 83 mm ही आ रहा है स्पेसिंग, 83 तो बहुत कम आ रहा है, 83 तो देते ही नहीं है। तो 12 mm के हिसाब से देखो, स्पेसिंग का भी कुछ रहता होगा ना कि मिनिमम अपन को इतनी स्पेसिंग तो देना ही पड़ेगी। हाँ स्पेसिंग का रहता है ना बेटा, देखो 83 mm दे सकते हो, मैक्सिमम 300 mm रहती है स्पेसिंग, और मिनिमम तो बेटा वो उस पे साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, कि साइज ऑफ एग्रीगेट जो हम यूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, स्पेसिंग जो रहती है साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है ना। और ठीक है सर, दूसरी बात कि आप नंबर ऑफ बार्स उस पे भी डिपेंड करता है, मतलब जैसे वन हाँ सर, थ्री जैसे नंबर ऑफ बार अपने ज्यादा रहेंगे तो स्पेसिंग अपनी कम हो ही जाएगी ना फिर। इसीलिए देखो क्या होता है, जैसे मैं 12 mm का यदि बार यूज कर रहा हूँ तो 1348 डिवाइड बाय 113 यदि मैं करता हूँ तो मुझे 11.92 बार, मतलब 12 बार्स लगेंगे, ठीक है। तो क्या मैं अपनी लेंथ में 12 बार्स दे सकता हूँ, मेरी हाइट कितनी है, 5 मीटर की है, ठीक है ना। एक जनरल मैं कंसेप्ट बताता हूँ तुमको, चलो आज वो चीज़ भी देख ही लेते हैं अपन। जैसे अब ये मेरी वॉल है, ठीक है, इसकी हाइट 5 मीटर, अब 5 मीटर की हाइट में कितने बार दे पाऊंगा मैं, है ना, कितने बार दे पाऊंगा ये देना। अब जैसे मेरे 12 mm के मैं देखूँ तो मेरे 12 बार्स आ रहे हैं लगभग लगभग, है, और आप मान के चलो कि करीबन 50 mm हमको इधर कवर देना है, 50 mm इधर कवर देना है, 50 mm इधर, इधर 30 mm, 30 mm इधर देना है, 40, जितना लिया कितना लिया था, 30 mm लिया वो उन्होंने इफेक्टिव कवर, तो 50 mm वो, और हमारी जो मिनिमम गिट्टी का साइज होता है वो लगभग कितना आता है, वो लेता है हम 30 mm, मान लो 25 mm की गिट्टी लेते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। तो उसको भी यदि मैं 30 mm मान लूँ, 30 तो 60 mm, तो यही घट कम हो गया 5 मीटर में से। 12 बार दे सकता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, 12 बार इजीली आ जाएंगे, 5 मीटर की लेंथ में 12 बार बहुत इजीली आ जाएंगे। और कितनी स्पेसिंग में, 90, 100 mm की स्पेसिंग भी यदि मैं दूंगा तो आराम से आ जाएंगे, 500,000 डिवाइड बाय 100, आराम से आ जाएंगे। तो बेटा ये तो कोई आप पे डिपेंड है, थोड़ा सा समझ तो गए ना कि क्या कंसेप्ट है, कैसे करना हाँ सर, वो तो आ गया क्लियर। है ना आपके ऊपर। देखो यार डिजाइन में तो कुछ भी लिखो, ठीक है, आप 16 mm लगो, 12 mm लिखो, पर यहाँ ये सही होना चाहिए। ये आप यहाँ इनने गलती क्या करी, लिखा यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, और सब कुछ जगह 12 से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ मेरे जो डायग्राम देख पा रहा हूँ, डायग्राम में भी हर जगह उन्होंने 12 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जनरल बहुत मिस्टेक्स रहती हैं बुक्स में, तो एक काम करते हैं अपन, बताओ क्या करना है, आप जैसा बोलो वैसा करेंगे, बताओ क्या सर करना है। यहाँ पर तो ये स्पेसिंग का ही था तो ये तो अपन समझ में आ गया, इसके बाद आके कंटिन्यू कर लेते ना इससे ही। चलो ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, इस पर अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। तो अब एलडी निकालेंगे हम, डेवलपमेंट लेंथ, तो फाई हमारा डायमीटर ऑफ बार होता है, सिग्मा एस टी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं जो डिज़ाइन कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, टाउ बी डी इसके यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस, शियर की वैल्यू जो आती है 1.6 × 0.9, 1.44 × M25 कॉन्क्रीट, कहाँ से निकालोगे टाउ बी डी की वैल्यू, कौन बताएगा मुझे टाउ बी डी की वैल्यू, बता पाएगा कोई सर IS 456 2000 उसमें कहाँ से निकलेगी। पेज नंबर 70। वेरी गुड, और कहाँ से निकाल सकते हो, और आपको
आपको IS 3370 में भी शेयर की वैल्यू गिवन है। ये है आपका रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ये दो, ये टाउ बी डी की वैल्यू, ठीक है, विजिबल है टेबल नंबर टू में, टेबल नंबर टू में विजिबल यस सर। है ना, ये पांचवा कॉलम जो है वो टाउ बी डी का है, ठीक है ना। आपको IS 456 की जरूरत नहीं है, आप नया आईएस कोड लोगे तो उसी में ये चीज वैल्यू दी। तो हमको M25 कॉन्क्रीट के लिए हमारी टाउ बी डी की वैल्यू कितनी है, 0.9, ठीक है। और 1.6 क्या है आपका, हाइट है, ठीक है ना, टाउ बी डी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 0.9, तो 0.9 तो आपका कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ से हमने लिया परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड एवरेज फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, टाउ बी डी इज 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.6, द बार कंफर्म्ड है बॉन्ड स्ट्रेस गिवन अबव में भी इंक्रीज बाय 60%। ये जो 1.6 का मल्टीप्लाई करा है, ये मतलब लेंथ नहीं है, यहाँ पर देखो एक नोट दिया हुआ है, इन केस ऑफ डिफॉर्म बार्स कंफॉर्मिंग टू IS 1786 द बॉन्ड स्ट्रेस गिवन अबव में भी इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू दी है ये काई के लिए दी है, प्लेन बार्स के लिए दी है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्लेन बार्स, और हम लोग कौन सा बार यूज कर रहे हैं, HYSG, ठीक है ना। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के लिए हमको इंक्रीज कितना करना पड़ा, 60% इंक्रीज करके। तो या तो आप डायरेक्ट ये 1.6 का मल्टीप्लाई समझते हो ना, 160% टोटल हो गया, 100% तो लेना ही था 0.9 का, ठीक है। यहाँ किसी को कंफ्यूजन, ये जो है 60% हमको इंक्रीज करना है, जो भी हमको वैल्यू उसमें टेबल में दी हुई है, तो 0.9 दिया हुआ है हमको ऑलरेडी, ठीक है, मैं एक बार इजीली समझा देता हूँ, 0.9 हमको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसका 60% हमको इंक्रीज करना है, तो 0.9 इंटू 60% यही होगा 0.9 इंटू 60 हंड्रेड डिवाइड बाय 100, हंड्रेड ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो ये इक्वल आ रहा है 0.54, ठीक है, ये हो गया 60%। अब टोटल कितना हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.54, यही होगा ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.44, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अपने को समझ में आता है जनरली, है ना, कि अब हमने पहले 60% उसका निकाला और उसको फिर मेन में ऐड कर लिया, या डायरेक्टली क्या कर दो, डायरेक्टली सॉरी डायरेक्टली 1.66 का, अरे यार, डायरेक्टली 1.66 का 1.6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 1.6 का डिनोट कर रहा है 160%, समझ गए, थोड़ा सा एनालिटिकल मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। 1.6 क्या हो गया, अरे 160% को यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे, 160 डिवाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो आपको ये यही मिलेगा। ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन, नहीं सर आगे समझ में आप आप पूछ लो, पूछ तो वो मत करा करो, मतलब इतना सिली क्वेश्चन भी है, कई बार मैथमेटिकल प्रॉब्लम देता है, ठीक है ना। ये जो वन में पहले बार समझ लो, 0.9 जो वैल्यू हमको आईएस कोड में गिवन है वो किसके लिए गिवन है, प्लेन बार्स के लिए, ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है,
फॉर प्लेन बार, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, एच वाई एस जी। हमको Fe415 यूज करना है एच वाई एस जी। यदि आपको Fe250 बोला हो यूज करने का माइल्ड स्टील, तो फिर आप इसमें चेंज ना करोगे, कोई चेंज ना करो, 0.9 का 0.9 ही रहेगा। लेकिन देखो यहाँ नोट में क्लियरली मेंशन है, द वैल्यू ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आर गिवन इन टेबल नंबर 3, द बॉन्ड स्ट्रेस गिवन इन कॉलम नंबर 5 शैल बी इंक्रीज बाय 25% फॉर द बार्स इन कंप्रेशन, इन केस ऑफ डिफॉर्म बार्स कंफॉर्मिंग टू आयर द बॉन्ड स्ट्रेस के अवन में भी इंक्रीज बाय 60%। तो हम कंप्रेशन में तो यूज कर ही नहीं रहे, हम तो टेंशन में यूज करेंगे उसको। तो और हमारा कंफाइनमेंट टू बार क्या है, डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं 1786, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेस गिवन अबो में भी इंक्रीज बाय 60%, हमने 60% उसको इंक्रीज करके लेना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, तो हमारा एलडी की जो वैल्यू आई है वो आई है 271 mm, ठीक है। और जो कि मीटर में हमने चेंज करी तो 0.27 मीटर एंड इज लेस देन 1.6 मीटर, हेंस ओके, ठीक है। अब मैं अभी जब डायग्राम समझाऊंगा ना, तो ये क्या ओके है, चलो मैं पहले बता ही देता हूँ इसमें क्या होगा। डायग्राम में ही हम देखो ये डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, दिख रही है डेवलपमेंट लेंथ। ये देखो क्या किया हमने, ये तो आपका बार, ये बार हो गए स्लैब के, देखो ये एक बार दिया जो एंकरेज दे रहा है आपको, जो कि कहाँ से आया, आपके वॉल में से निकला और कहाँ जा रहा है, स्लैब में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसकी जो हाइट है ये कितना है, देखो ये सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एलडी जो है गा, एलडी यहाँ शो नहीं कर रहा है क्या, नहीं ये रहा, ये रहा, ये रहा नीचे, सॉरी ये बता रहा, वो तो एंकरेज लेंथ बाद में अपन देखेंगे, ये नीचे, ये रहा एलडी, ये ठीक है। ये जो ऊपर का बार आया आपका, और ये कहाँ जा रहा है, ये आपका स्लैब में आया, मैं उल्टा बता दिया था ऊपर वाला, ये रहा, ठीक है। ये बार आ रहा है आपका और ये बार, ये एलडी का एक ऐसा फॉर्मूला भी था ना कुछ, की लेंथ इनटू डाया के से भी निकालते थे। वो बीम के केस में बेटा, बीम के केस में एलडी वो ऐसा होता है, जब ऐसा करके आप ऐसा एंकरेज ले जाते हैं है ना, और बीम के केस का है बेटा वो, बीम के, बीम में अलग है, ठीक है। सर यहाँ इसके लिए अलग है वाटर टैंक में, ठीक है। तो ये एलडी क्या है, ये देखो ये डेवलपमेंट लेंथ एलडी, ये आपका पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, ये आपका क्या है एलडी के वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने से 300 कर दिया है, लेकिन वो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हमारा एल बाई डी रेशियो जो एलडी की वैल्यू आ रही है वो 1.6 मीटर से कम ही आ रही है, जो इफेक्टिव है उससे कम ही है, ठीक है ना, हैंस ओके, इसलिए लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है 0.27 मतलब 1.6 मीटर से कम से है ओके। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द हुप टेंशन, अब हुप टेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी हमने जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट निकाला था, ठीक है ना, ये जो AST निकाला था ये बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए जितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। अब जो हम मेन स्टील निकालते हैं, जो हमको हुप टेंशन रोकने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब अभी हमने ये जो AST निकाला, ये जो निकाला ये कौन से बार निकाले, ये वर्टिकल बार निकाले, ना कि हुप बार्स निकाले, मतलब ये हमारे सर्कुलर बार नहीं है, ये कौन से वर्टिकल बार जो हैं वॉल और बेस स्लैब के बीच में जो अंदर जाएंगे वो निकाला है हमने एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट वाले से। अब हम कौन सा निकाल रहे हैं, हुप टेंशन वाला, मतलब जो हुप स्टील जो सर्कुलर रिंग्स लगेंगे हमारे को वो वाला मेन स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर हुप टेंशन टी हमारे को हमने निकाल चुके हैं एट 1.66 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टी अपॉन सिग्मा एस टी, ये फॉर्मूला तो हमको पता है। यहाँ से हमारा AST आ गया 643 mm स्क्वायर। अब AST मिनिमम भी हमको पता है कि हम 0.35% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सर्फेस जोन एंड टी शुड बी लेस देन 300 mm, हमारा जो थिकनेस है वॉल की वो 300 से कम है, तो ये फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, AST मिनिमम 0.35 बाय 100, तो ये 0.35% हो गया। 1000 जो है हमारा वो आपका 1 मीटर वाली लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। देन 180 डिवाइड बाय 2, 180 क्या है आपका थिकनेस ऑफ द वॉल टोटल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं तो वो 1 मीटर लेंथ के लिए, और हमारा क्रॉस सेक्शन 180 mm हमारी वो थिकनेस ऑफ वॉल है, हमने देख ही लिया, डिवाइड बाय 2,
ठीक है, सेंटर पे जनरली हम देते हैं सरफेस, तो ये कितना आया आपका 315 mm² AST मिनिमम, और हमारा हम दे कितना रहे 643, तो एंस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो प्रोवाइडिंग 10 mm डायमीटर हुप एट 100 mm सेंटर टू सेंटर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बेस, अप टू 3 मीटर फ्रॉम द बेस। AST प्रोवाइडेड इज 785 mm². ये सब निकाल सकते हैं कि यहाँ बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। हमने 10 mm बार निकाला, तो एक बार का क्या होगा 100 mm सेंटर, तो नंबर ऑफ बार्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ बार से आप एक बार का एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल एरिया निकल जाएगा जो हमने प्रोवाइड किया है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो मैं मेरे पेस से चलता जाता हूँ, यदि कहीं भी तुमको दिक्कत लगती है प्लीज रोक दिया करो, जल्दी से किसी का भी कोई डाउट हो फटाफट पूछ लो, कोई डाउट नहीं है नो सर, नो सर, पक्का ना बेटा। नहीं तो देखो अपन बढ़ते जाएंगे, और ऐसा ना हो कि बाद में फिर ऐसा लगे कि यार ये यहाँ कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया। अच्छा तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो क्या? वैसे मैं ये शीट दे दूंगा पूरी गूगल, मतलब पूरा एक्सेल ये दे दूंगा मैं। हाँ सर, ये आप शेयर कर देना, नोट नहीं हो पा रहा है जल्दी। हाँ तो मैं PDF, देखो मैं अभी स्पीड से इसीलिए कर रहा हूँ, है ना। होता क्या है देखो, डिजाइन के न्यूमेरिकल में मैं PPT बनाऊं तो वो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या ये इस तरीके से जब फॉर्मूले लिखने होते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल आती है ऐसे फॉर्मूले लिखने में, PPT में बहुत टाइम लगता है उसको, और ऐसे टाइम कंज्यूमिंग मैं करता जाऊंगा यदि मैं जैसे भी पहले कर रहा था कि मैं खुद PDF में लिखते जा रहा था उसमें PPT में एक साथ, तो वो क्या थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है। तो थोड़ा सिलेबस को जल्दी करने के लिए मैं डायरेक्ट आज थोड़े अभी ये ज़्यादा पढ़ाऊंगा जल्दी क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है यस ना? सर, हाँ सर, ठीक है, तो अब हुप टेंशन एंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस, गामा इंटू 5 - 3 × d/2। अब क्या कर रहे हैं वो, हमने तो ऑलरेडी हुप टेंशन निकाल लिया था ओवरऑल, ठीक है, हमने ओवरऑल हुप टेंशन निकाल लिया था। और होता क्या है कि हुप टेंशन की वैल्यू जो बॉटम से ऊपर तक के हम लगभग h/3 या 2h/3 तक लेते हैं, तो वो तो यदि मैं 5 मीटर का h/3 2h/3 ले रहा हूँ, तो वो तो मेरा 1.6 मीटर, सॉरी हाँ 1.6 मीटर आता है। अब आपको पता है कि पानी का जो वेट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है, तो हम जनरली इसको तो हाफ मान लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में देखा था कि हाफ लेंथ तक तो हम क्या रखते हैं स्पेसिंग हमने जो निकाली, और फिर ऊपर के हाफ के लिए हम स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ उसको डायरेक्ट स्पेसिंग को बढ़ाने के बजाय क्या किया उन्होंने कि हुप टेंशन ऊपर के हिस्से में कितना आ रहा है वो निकाल लिया। तो फॉर्मूला वही है, गामा इंटू एच इंटू डी बाई थ्री, बस एच की जगह क्या करा उन्होंने 5 - 3, टोटल में से जो नीचे से लेंथ है जहाँ तक के लिए हमने AST निकाल लिया है उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ से हुप टेंशन की वैल्यू आ रही है 49.98 kN। फिर से वही AST निकाला हमने, ठीक है, AST हमने फिर से निकाला, और AST हमारा ये 49.98 × 1000/130, फॉर्मूला यही यूज़ किया, ये वाला एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड वाला, ठीक है, टी अपॉन सिग्मा ST। यहाँ से कितना आया 385 mm², ठीक है, एंड 385 इज ग्रेटर देन 315 mm². 315 क्या होगा, ये इसका आधा, 785 का हाफ, नहीं 392 आ रहा है ये, सॉरी 315 mm², ये हमारा AST मिनिमम हमने यहाँ जो निकाला है, मिनिमम AST रिक्वायरमेंट कितना है 315, और यहाँ हमको AST कितना निकल रहा है 385, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, हेंस कर्टलिंग द हाफ ऑफ द बार्स एट 2 मीटर फ्रॉम द टॉप और 3 मीटर फ्रॉम द बेस एंड कंटिन्यूइंग रेस्ट अप टू द टॉप, दैट इज 10 mm डायमीटर हुप एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना है 315, और हमारा AST कितना निकला है यहाँ पर 385, 385, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हेंस कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट करेंगे, हेंस कर्टलिंग द हाफ ऑफ द बार्स एट 2 मीटर फ्रॉम द टॉप और 3 मीटर फ्रॉम द बेस एंड कंटिन्यूइंग रेस्ट अप टू द टॉप दैट इज 10 mm डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा दी हमने पर डायमीटर सेम ही रखा है लगभग 10 mm,
ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, खत्म होने वाली क्लास, मैं अगले बार में इसको फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ठीक है।